Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. स्टोरीज़ की जो सीरीज़ चल रही थी उसकी आज हम सेकंड कहानी देख रहे हैं. उम्मीद है आपने फर्स्ट कहानी देखी होगी और आपको पसंद आई होगी. द लायन एंड द माउस. यह कहानी आप सभी ने सुन रखी है परंतु याद करने के वक्त थोड़ा सा कठिन लगता है, तो इसमें आपके लिए बहुत ही सरल वाक्य लिए गए हैं और उच्चारण साथ में दे दिया गया है. तरीका आपको बता दिया था. आप यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप पहले उच्चारण को याद कर लीजिए और उसके बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेलिंग है, जैसे वंस, तो आप वंस की स्पेलिंग याद कर लीजिए और इस तरीके से आप इन कठिन शब्दों की स्पेलिंग याद करके अंग्रेजी के वाक्य भी लिख सकते हैं. साथ में इनका जो भी कठिन शब्द है उसका अर्थ भी आपको हिंदी में दे दिया गया है, जो कि कोष्टक में लिखा गया है. दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास पढ़ने में कठिनाई होती है, अंग्रेजी विषय के अध्यापक नहीं हैं, उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, तो सुविधाएं नहीं है क्योंकि उनके पास, इसलिए तो उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ जो है प्रारंभ की गई है. वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. तो आप देख सकते हैं इसका उच्चारण हमने लिख दिया है, वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. स्लीपिंग का अर्थ होता है सोना. तो सो रहा था. कौन सो रहा था? लायन. लायन मतलब शेर. अ माउस केम देयर. और वहाँ पे एक चूहा आ गया. द माउस बिगेन टू जंप ऑन द लायन्स बॉडी. और चूहे ने क्या किया? कूदना. कूदना से आप समझ सकते हैं द माउस बिगेन टू जंप ऑन द लायन्स बॉडी. चूहा जो है वो शेर की बॉडी पर, शरीर पर कूदने लग गया. द लायन वोक अप एंग्री. अब जो शेर था वो नाराज़ होकर के उठा. एंग्री. एंग्री का अर्थ है नाराज़. नाराज़ हुआ वो, उठा जब नाराज़ था. द लायन कॉट द माउस इन हिज क्लॉज. और उसने क्या किया? चूहे को क्लॉज में, तो क्लॉज का अर्थ होता है पंजे में, तो पंजे में क्या किया उसने? चूहे को कॉट किया. कॉट मतलब पकड़ लिया. द माउस सेड डू नॉट किल मी, आई शेल हेल्प यू समडे. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी बात को, कही हुई बात को वैसा का वैसा लिखते हैं तो पहले आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा खुले का और ये क्लोज का आपको लगाना आवश्यक होता है. तो यदि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इसको, निशान को अवश्य लगाइएगा. द माउस सेड डू नॉट किल मी, आई शेल हेल्प यू समडे. चूहे ने कहा मुझे मत मारो, मैं आपकी किसी दिन सहायता करूँगा. द लायन लाफ्ड एंड फ्रीड हिम. और शेर हंसा और उसको फ्रीड हिम यानी कि आज़ाद कर दिया. लाफ्ड का अर्थ होता है हंसना. द लायन लाफ्ड एंड फ्रीड हिम. अब क्या हुआ आगे देखते हैं. आफ्टर सम डेज. आफ्टर सम डेज द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. नेट मतलब जाल. तो जाल कौन बिछाएगा? शिकारी. तो शिकारी का जाल. हंटर्स माने कि शिकारी. आफ्टर सम डेज द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट. कुछ दिन बाद जो शेर था वह शिकारी के जाल में फंस गया. अनएबल टू फ्री हिमसेल्फ ही रोर्ड लाउडली. अनएबल यानी वो योग्य नहीं हुआ, समर्थ नहीं हो पाया खुद को फ्री कर पाने में. और ही रोड. रोड का अर्थ होता है दहाड़ा. शेर क्या करता है? दहाड़ता है. तो वह जोर जोर से दहाड़ने लगा. अब चूहे ने जब उसकी आवाज़ सुनी, द माउस केम, आ गया. कट द नेट, उसने जाल को काट दिया. एंड फ्रीड हिम, और उसे फ्री कर दिया यानी कि आज़ाद कर दिया. द माउस केम कट द नेट एंड फ्रीड हिम, आज़ाद कर दिया. दे बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स. दे बोथ यानी कि दोनों, वे दोनों जो है अच्छे मित्र बन गए. दे बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स. दोनों अच्छे मित्र बन गए. अब आप इसको आगे देख सकते हैं. हर कहानी का आपको मोरल लिखना आवश्यक होता है, तो यहाँ पे हम मोरल भी लिखेंगे. मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती है. डू गुड गेट गुड. गुड कर भला तो हो भला. यदि हम किसी का अच्छा करेंगे तो कभी ना कभी हमारे साथ भी अच्छा अवश्य होगा. तो उम्मीद है आपको ये कहानी लिखने में अब बहुत ही सरल लगेगी. आप इसकी वीडियो की सहायता से कहानी को लिख सकते हैं और
प्रोनंसिएशन इसमें जो उच्चारण दे दिया गया है, साथ में इसकी सहायता से आप कहानी को याद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको नेक्स्ट कहानी कौन सी चाहिए। धन्यवाद।